महागठबंधन की बस से डर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जी हां, राजस्थान में एक दिलचस्प नज़ारा देखने को मिला। जयपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के शपथ ग्रहण समारोह में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, राहुल गांधी, शरद पवार और शरद यादव जैसे दिग्गज नेताओं के साथ ही अन्य कई बड़े नेता शामिल थे और ये सभी एक बस से कार्यक्रम स्थल तक पहुंचे। इस बस में जब सभी नेता बैठे तो इस बस को महागठबंधन की बस कहा गया और यह भी जुमला फंसा गया कि इस महागठबंधन की बस के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परेशानी में आ गए हैं। जी हाँ, जब यह बस एयरपोर्ट से समारोह स्थल तक पहुंची तो इसमें सभी वीआईपी नेताओं को एक साथ बैठाया गया था। इनमें कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, शरद पवार, लोकतांत्रिक जनता पार्टी के अध्यक्ष शरद यादव के साथ ही लगभग 25 अन्य विपक्षी दलों के नेता भी इस बस में शामिल थे और समारोह की समाप्ति के बाद बस से ही सभी लोग वापस एयरपोर्ट पर आए और यह चर्चा चलती रही कि महागठबंधन की यह बस 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करेगी। 2019 में लोकसभा चुनाव में महागठबंधन अपनी एक अलग ही भूमिका निभाएगा।